अम्मी के भी समझ नहीं आ रही। नीनू से दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि वो इकरार भाई की दूसरी शादी करवाने पर बसे थे। मुझे भी नसरीन बाजी नहीं बताया था मेहमानों का। इसीलिए कहता हूँ कि हर वक्त कमरे में बंद ना रहा करो, घर की और घर वालों की खबर रखा करो। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तुमने मेंटली तौर पर खुद को इस घर से रुखसत कर लिया। खैर खुद को इस घर में इन्वॉल्व रखो, आई समझ? नीनू और इकरार भाई भी बहुत अपसेट है। ऑब्वियसली वो तो परेशान होंगे भाई। कहाँ जा रहे हैं? नीनू की तरफ। तुम शॉपिंग करने क्या गई? तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी न्यूज ब्रेक हो गई। कैसी न्यूज पुप्पो? हम तो समझ रहे थे कि इकरार के साथ ज्यादती हो रही है, जो बेचारी को औलाद की खुशी नहीं मिल रही, पर पता चला मजलूम तो बेचारी नेहा है। तुम क्या खुद ब खुद मुस्कुराए जा रही हो? इसका मतलब ये हुआ कि हमें शादी नेहा की करवानी चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी कि उसकी शादी करवानी चाहिए। आखिर पप्पू हूं मैं उसकी, उसका भला ही चाहूंगी ना। बुरा तो मैं भी नहीं सोच सकती, हाँ भी हूं उसकी। क्या जरूरत थी सबको बताने की? तो और क्या करता? अम्मी जिस तरह मेरी शादी करने पे इसरार कर रही थी, उनको पता होना चाहिए था हकीकत का। उनको पता होना चाहिए था कि कुर्बानी मैं नहीं तुम दे रही हो अपनी खुशियों की।